दोस्तों आज बात होगी यूरोप के एक बेहद खूबसूरत देश चेक रिपब्लिक के बारे में, जिसे चेकिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है जिसके कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती। लगभग 78,871 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया का 115वां और यूरोप का 31वां सबसे बड़ा देश है। वही यहाँ की जनसंख्या 1,10,00,000 के आसपास है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 86 और यूरोप का 12वां बड़ा देश है। दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 139 लोग नजर आएंगे। चेक रिपब्लिक में रहने वाले 50% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और 40% लोग नास्तिक हैं, यानी वे किसी भी धर्म को नहीं मानते। दोस्तों इस देश की सीमाएं कुल 4 देशों से लगती हैं, जिसके पूर्व में स्लोवाकिया, उत्तर में पोलैंड, पश्चिम में जर्मनी और दक्षिण में ऑस्ट्रिया से मिलती हैं। वैसे यहां के लोग 420 तो नहीं है, लेकिन यहां का कॉलिंग कोड 420 है। साथ ही यूरोप के बाकी देशों की तरह यहां के लोग भी दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। प्राग चेक रिपब्लिक की राजधानी है, जो यहां का सबसे बड़ा शहर भी है। यहां के रहने वाले निवासी को चेक कहा जाता है और यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी चेक है, जो यहां की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस देश में जो मुद्रा चलती है उसे चेक करूना कहा जाता है, जो कि एक चेक करूना भारत के 3.5 रुपए के बराबर है। इस देश में 75% लोग शहरों में रहते हैं तथा 25% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। शिक्षा स्तर के मामले में यह देश दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ की लिटरेसी रेट 99.83% है। दोस्तों चेक रिपब्लिक को अगर किलों का देश भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में 2000 से ज्यादा ऐतिहासिक किले हैं, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा हैं। लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद भी चेक रिपब्लिक यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। पर्यटन के लिहाज से यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में गिना जाता है। चारों ओर पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से घिरा चेक रिपब्लिक अपने लाजवाब मौसम, ऐतिहासिक इमारतों, विशालकाय किले और प्राचीन चर्च के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही आपको बताता चलूं, घूमने फिरने और रहने के लिहाज से यह देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर यूरोप के अन्य देशों की तरह काफी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ के लोग काम काज के मामले में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। एक आंकड़ों के अनुसार यहाँ के लोग एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। दोस्तों इस देश की सबसे खास बात तो यह है कि अपनी सभ्यता संस्कृति का आदर करने वाले चेकियन लोग स्वभाव से खुश मिजाज और पार्टी पसंद लोग होते हैं। यहाँ हर साल कई तरह के फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ के चेकियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का सेवन करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बियर ना पीता हो। क्या लड़का क्या लड़की, सबके हाथ में आपको बियर की बोतल ही नजर आएगी। यहाँ अगर छोटी सी भी पार्टी होती है तो समझिए बियर की नदियाँ बह जाती हैं। यहाँ का एक इंसान 2 से 3 लीटर बियर अकेले ही गटक जाता है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध स्कोडा ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये इसी देश की कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1895 में इसी देश में हुई थी। साथ ही आंखों में लगने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार सबसे पहले इसी देश में हुआ था। दोस्तों खेल कूद के मामले में यह देश किसी से कम नहीं। फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूं, यहाँ का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।